सर्वप्रथम नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी हमारे मीडिया बंधुओं को, सभी जनता के लोगों को। आप सभी के सहयोग से 2022 में महाराजगंज पुलिस ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जहां हम लोगों ने अब प्रत्याशित जो है निर्धात्मक कार्रवाइयाँ की हैं, वहीं 100% और समयबद्ध तरीके से मामले का निस्तारण किया गया है, अपराधियों को पकड़ा गया है। और साथ ही आप सभी के सहयोग से सभी त्योहारों को बेहतर ढंग से किया गया है, कम्युनिटी पुलिसिंग बढ़ाई गई है, महोत्सव किया गया है। उसके लिए मैं हमारी पूरी महाराजगंज की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही हमारे पूरे पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी के नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जहाँ तक रही सुरक्षा व्यवस्था की बात, 31 और 1 तारीख के दृष्टिगत सभी जगहों पर सेक्टर स्कीम लगाई जा रही है। जो हमारे प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक की ड्यूटियाँ हमारे राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक्टिव रहेंगी। कहीं पर भी किसी प्रकार के अगर हुड़दंग की सूचना है कि पुलिस तत्काल वहाँ पहुँच कर उसे बड़े सख्ती के साथ डील करेगी। हमारा सभी लोगों से अपील है कि हेलमेट के साथ ही और सीट बेल्ट के साथ ही सड़कों पर आए और कहीं पर भी ड्रंकन ड्राइविंग वाली चीज़ ना हो। जिम्मेदारी के साथ आप नववर्ष की अपने जो भी उत्सव या सेलिब्रेशन है उसको करें और कहीं पे भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है हमारा से पुलिस की, हमारी ड्यूटियां आपके आसपास ही रहेंगी और तत्काल आपकी सुरक्षा और सहयोग की। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ से कई सारे लोग नववर्ष के दृष्टिगत नेपाल राष्ट्र को भी जाते हैं, लुम्बिनी और अन्य जगहों के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसके दृष्टिगत जो हमारे बॉर्डर पे अतिरिक्त ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, साथ ही वहाँ पर हमारे SSB और जो नेपाल राष्ट्र की पुलिस है उससे भी बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ से जाने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो और अगर कोई भी उनको समस्या आती है तो तत्काल हमारी सुनौली